हेलो नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए मीड इजी चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर और पास ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम टू मीड इजी। आज मीड इजी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। जी हाँ, ये खस्ता कचौड़ी मैं आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल बताने जा रही हूँ, जैसे कि हलवाई बनाते हैं उसी तरीके की कचौड़ी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में इतनी खस्ता है और इतनी करारी है कि आप इसे एक बार खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, और बहुत आसान है इसको बनाना। और ये खस्ता कचौड़ी की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आप 1 से 2 हफ्ते तक प्रिजर्व करके भी खा सकते हैं, यानी कि ये ख़राब नहीं होने वाली है। इसमें हम जो उड़द की दाल की सहायता से इसको बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है ये देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसका डो लगाना बता रही हूँ, यानी कि इसका जो ऊपरी परत होती है उसकी तैयारी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, ये खस्ता कचौड़ी मैदे की सहायता से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, मैदे को मैं इस कप की सहायता से मेजर करूँगी। तो इस कप की सहायता से मेजर करके मैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर नमक अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे हम, और उसी के साथ हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन से बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो इसीलिए अजवाइन को आप ज़रूर डालें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मोइन के लिए कोई भी जमने वाला घी, जैसे कि डालडा घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस खस्ता कचौड़ी में रिफाइंड ऑयल को रिकमेंड नहीं करूँगी या फिर किसी भी तरीके के तेल को, क्योंकि मोइन जो होता है हमेशा जमने वाली चीज़ का लगाया जाता है, यानी जो चीज़ आसानी से जम जाती है, जैसे कि देसी घी या डालडा घी। तो चलिए हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमें यहाँ पर थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि हम इसकी फिलिंग में भी नमक डालेंगे जो हम अंदर फिल करेंगे, तो नमक हमें उसके अनुसार थोड़ा सा कम ही डालना है। इसके साथ मैं यहाँ पर जो मैंने घी लिया था उसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करके यहाँ पर डालूँगी, क्योंकि वो काफ़ी जमा हुआ है। उसको हल्का सा गर्म कर लें, पिघला लें बस उसको। ये देखिए, पहले मैं इसमें अजवाइन हल्का सा हाथों से इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये बस इस तरीके से मसल के डाल दिए मैंने इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अजवाइन बहुत अच्छी होती है हमारे डाइजेशन के लिए भी, तो इसलिए भी इसमें डालना आवश्यक है इसको। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए जो घी मैंने आपको बताया था 1/4 कप, उसको मैंने यहाँ पर हल्का सा पिघला लिया है। और पिघलाने के बाद ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसको पिघला कर मैं इसमें डाल रही हूँ। डालकर हम इसको धीरे धीरे हाथ से मिलाएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसको आसानी से मसलते जाएंगे। सारा घी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। आप चाहें तो दोनों हाथों का भी इस तरीके से इस्तेमाल करें और इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसको मिक्स कर दें पूरे मैदे में। उसके बाद आप चेक करेंगे कि हल्का सा इसमें जो है बनने की कंसिस्टेंसी आ जाती है। बस उसके बाद हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे 1 कप में, और उसकी सहायता से हम इसको गूंथ लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल आटा लगाते हैं। मोइन अच्छे से मिला होना चाहिए मैदे में पूरी तरह से, तभी इसका जो है बहुत अच्छा खस्ता फ्लेवर आएगा। तो देखिए, मैंने आटे को लगा लिया है पूरी तरह से। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। और इसको मैं इस तरीके से एक कैसरोल में या फिर कोई भी कंटेनर आपके पास हो उसमें आप इस तरीके से कवर करके रख दें, जिससे कि मैदा सूखेगा नहीं। और इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। मिनिमम 1 घंटा है, आप चाहें तो 2 से 3 घंटे भी इसको रेस्ट करने देंगे तो अच्छा बनेगा। उसके बाद मैं आपको खस्ता फिलिंग जो है उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप उड़द की दाल को रात भर पानी में भिगोकर रख दिया है। मैंने यहाँ पर छिलके वाली दाल का इस्तेमाल किया, जिसका छिलका मैंने धुलकर निकाल दिया है। कुछ छिलका आपको इसमें दिख भी रहा होगा, तो थोड़ा सा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उड़द की दाल को धुल करके इस तरीके से निकाल लिया है, उसको रात भर सोख किया था। उसके साथ ही 1.5 कप दाल के हिसाब से मैं आपको सारी सामग्री बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/3 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, वो हम इस्तेमाल करेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे।
मैंने यहाँ पर सिंधी नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई भी खाने वाला नमक ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये मैंने यहाँ पर धनिया के जो बीज होते हैं वो एक छोटी चम्मच लिए हैं और इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। आप चाहें तो इसको हल्का सा मिक्सी में एक बार चला लें, ज़्यादा पाउडर ना बनाएं। आधी छोटी चम्मच ज़ीरा का इस्तेमाल करेंगे हम, और ये मैंने एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी लिया है और कुटा हुआ धनिया भी लिया है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो कुटा हुआ धनिया होता है उससे। फिर मैं यहाँ पर एक चुटकी हींग का इस्तेमाल करूँगी, ये हींग है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल खाने वाली सौंफ आती है वो, और ये चार बड़े चम्मच जो है भर के बेसन लिया है। बेसन को हम यहाँ पर इसलिए डालेंगे क्योंकि बेसन जो है दाल को बिल्कुल खुश कर देता है और इससे जो है दाल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह जाएगा, जिससे आप इसे अगर ज़्यादा दिन रख के भी खाएंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। और ये यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती ली है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको ज़्यादा दिन रख के खाना चाहते हैं तो धनिया की पत्ती मत डालिए, अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो धनिया की पत्ती या अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, दो छोटे चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जैसा भी चाहें छोटे चम्मच डालना चाहें। और ये मैंने अमचूर पाउडर लिया, ये भी हम दो छोटे चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले से, इसलिए मैं इसको डालूंगी। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले इसकी फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो दाल है उसको ड्रेन करके रख दिया था, यानी कि पानी पूरा निकाल दिया है, अब हम उसको सबसे पहले मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। तो इसको पीस लेते हैं हम सबसे पहले, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ दाल को पीस रही हूँ। लिड को कवर करके मैं दाल का एक पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए दाल को मैंने दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इसका नहीं तैयार किया है। और इसको पीसने में अगर आपको थोड़ी कठिनाई होती है तो आप एक से दो चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गैस के फ्लेम को ऑन करके इसको गर्म करना है, तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और उसके बाद ही हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, ताकि हमारा जो जितनी भी चीज़ें हम मसाले डालेंगे वो इसमें जले नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक चुटकी हींग डाली है, उसके साथ ही यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, इसको डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। और उसके बाद जो कुटा हुआ धनिया मैंने बताया था आपको, धनिया के बीज को मैंने कूट के रखा था, वो मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। सौंफ को भी यहीं पर डाल दूंगी मैं इसके साथ ही, इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको चलाने के बाद अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, देखिए चार बड़े चम्मच बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। बेसन को हमें वैसे ही भूनना है जैसे कि हम नॉर्मल उसमें हलवे में या फिर उसमें भूनते, जब तक कि अच्छी सी स्मेल नहीं आ जाती उतना ही बेसन हमको इसको लाल हो जाने देना है। तो धीमी धीमी आंच पे बेसन को भूनिए, जब हल्की सी खुशबू आने लगे बेसन के भूनने की तब इसका मतलब हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है, पूरी तरह से भून चुका है। तो बेसन को भूनने में एक मिनट का, एक से दो मिनट का समय लगता है। जब बेसन भून जाएगा तो हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप जितनी भी खाना चाहें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ, एक से आधी छोटी चम्मच डाल सकते हैं हल्दी पाउडर, इसको डालने के बाद चलाएंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, मसाले हमेशा धीमी आंच पर ही डालें ताकि वो जले नहीं, अगर वो जल जाएंगे तो उनका स्वाद बहुत ही खराब आता है, तो इसीलिए मैं सारे मसाले धीमी आंच पर ही डाल रही हूँ, आंच बिल्कुल कम है। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। बेसन और मसाले सारे अच्छे से भुन चुके हैं साथ में, अब मैं इसमें आधी एक तिहाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। मसाले अब सारे अच्छे से भुन चुके हैं, ये देखिए अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें जो हमने दाल पीस के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। तो उड़द दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको उड़द दाल से बना रही हूँ। कुछ लोग मूंग दाल से भी बनाते हैं, तो जैसा भी आप खाना चाहें, जो दाल आपको कंफर्टेबल लगे वो आप डाल सकते हैं। प्रोसीजर वही है, रात भर आपको सोख कर रखना पड़ेगा, पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा और सुबह उठकर उसको पीसना पड़ेगा।
उसके बाद हम इस दाल को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। अब मैं यहाँ पर 1/3 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी भी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला डाल रही हूँ। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें या फिर स्किप कर सकते हैं, पर गरम मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इस दाल को तब तक भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। आप देखिए कैसे दाल बिल्कुल अलग अलग हो गई है, ये देखिए। जब इस तरीके की दाल हमारी हो जाएगी तभी हमें गैस के फ्लेम को बंद करना है, तब तक उसे धीमी धीमी आंच पे भूनते रहना है। अब बंद करने के बाद मैं इसमें 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ और इसको मिला दूंगी अच्छे से और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब हमारी फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी हम तभी इसको खस्ते में फिल करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम खस्ता अपने तैयार करेंगे। तो ये जो मैदा मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था इसको अच्छे से एक बार मैं जो हमारा डो है इसको अच्छे से एक बार अच्छे से मसल लेंगे किसी भी सरफेस पर और इसको हम छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड करेंगे। जितना भी बड़ा छोटा जैसा भी आपको खस्ता बनाना है आप वैसा बना सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे बॉल्स में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा बेलेंगे। इसको बेलने के लिए कोई भी आटा या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, आसानी से बेल जाता है। देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है उसको। अब इसमें मैं बीच में थोड़ी फिलिंग रख रही हूँ। फिलिंग को रखने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो इसकी एजेस हैं यानी कि जो किनारे हैं उन पे हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाए। और अब हम इस तरीके से पकड़ के धीरे से सारी जो किनारे हैं उनको मिला देंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे। पानी की सहायता से ऐसे अच्छे से चिपक जाएगा और इस तरीके से हल्के हाथ से इसको दबा देंगे। देखिए खस्ता बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी खाने के लिए तैयार नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर की है हमने पहली खस्ता। तो चलिए इस तरीके से हम बाकी सारी खस्ता को भी फिल कर लेते हैं धीरे धीरे करके। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फिल करने में, लेकिन जब आप खाएंगे तो फिर आपको ये सारी मेहनत आपकी रंग लाएगी, इतना टेस्टी ये लगता है। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको दबा दबा कर प्रेस करके सारे खस्ता को बनाते जाइए। और इस बात का ध्यान रखना है कि खस्ते को खुले में ना छोड़ें तलने से पहले। आप इसको एक बॉक्स में ही कवर करके रखें। ये देखिए जैसे मैंने इसको रखा हुआ है, तलने से पहले इस तरीके से सारी खस्ता तैयार कर ले और इसको बॉक्स में कवर करके रखते जाएं, जिससे कि ये सूखेगी नहीं। अगर परत सूख जाएगी तो फिर तलते समय इस एक खुल जाती है और आसानी से तेल इसके अंदर पहुंच जाता है। तो अब मैं ये खस्ते को तेल में डालने जा रही हूँ। तेल में डालने से पहले हम इसको हल्का सा इस तरीके से बेल कर बड़ा करेंगे ताकि अब ये फूलेगी तो एकदम बहुत बढ़िया देखने में लगती है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करके इसको तेल में डालूँगी। तो इस तरीके से जितनी भी खस्ता आपको पहली बार में डालनी है, जैसे 2 से 3, ज़्यादा एक साथ मत डालिए, तो 2 से 3 खस्ता को मैं इस तरीके से बेल लियो। तो उल्टे साइड से रख के इसको इस तरीके से बेलेंगे तो जो भी मैदा है वो अच्छे से चिपक भी जाएगी और उससे दाल भी बाहर नहीं आएगी। तो हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा टाइटली इसको प्रेस नहीं करना है। देखिए बस 4 मैंने तैयार कर लिए, बाकी इस तरीके से हम ढक देंगे और अब हम इसको डीप फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। तेज आंच पे हम सबसे पहले अपनी खस्ता कचौड़ी को एक डालेंगे, देखेंगे कि ये फट तो नहीं रही है। और डालने के बाद अगर ये नहीं फटेगी तो फिर हम बाकी की खस्ता को भी डाल देंगे। और डालने के बाद पहले इसको तेज आँच पर डालना है और उसके बाद हल्का 1 मिनट के बाद पलट के आँच को धीमा कर देना है और धीमी धीमी आँच पर ही इसको तलना है हमको, क्योंकि धीमी धीमी आँच पर अगर आप नहीं तलेंगे तो फिर ये ऊपर से लाल हो जाएगी पर अंदर से नहीं पकेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि धीमी आँच पर इसको तब तक भूनें जब तक कि ये गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। ये देखिए जैसे आप भूनेंगे इसको 5 से 10 मिनट के समय में ये आसानी से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और अब हम इन खस्ता को निकाल लेते हैं, थोड़ी फूल भी जाती है ये। तो ये हमारी खस्ता बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। और गर्मा गर्म खस्ता को आप चाय के साथ या फिर
कभी भी मन करे तो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसको बना के रखिए, जब भी खाने का मन करे तो आप इसको गर्म करिए, या फिर नहीं भी गर्म करेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चटनी के साथ ये जैसे भी मन करे वैसे खाइए। और आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मेड इजी। स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़। बाय बाय।